मैं आपको बता चुका हूं इंस्पेक्टर साहब, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। दिलावर को मैंने ही भेजा था अपने किसी काम के लिए छुरी लेने के। हजार की भीड़ और रश में उसको धक्का लगा और उसी लम्हे में उसकी तरफ घूम गया और वो मुझे लग गई। ये सिर्फ एक हादसा था और कुछ नहीं। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूं, मगर ऐसा मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखा। और ऐसा ना पतो लवार तो कोई माहिर चाकूबाजी कर सकता है, ऐसा काम इत्तफाकिया नहीं हो सकता। ये बहु आपको ठीक से आपको अपना बयान दे चुका, ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तफाकी हादसे और कुछ नहीं। ठीक है सिकंदर साईं, मुझे इजाजत दीजिए, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। आइए। पुलिस को सच क्यों नहीं बताने दिया तूने बाबू? ना बचा मुझे, इतनी बड़ी सजा ना दे मुझे। पागल हो गया तेरा, तुम क्या बोलते हैं? मेरी और तुम्हारी क्या दुश्मनी है? क्यों मारना है तुम मुझे? तुम कुछ भी बोलते तो नाजिम शाह का नाम आता और सबकी उंगलियां उठती उन पे और उनके पूरे खानदान पे। चल अब एक काम कर, मुझे इस हॉस्पिटल की कैद से निकाल यार, मुझे पता है वो मुझसे मिलने वहां जरूर आएगी। मुझे उसके पहले कि वो वहां है, मुझे वहां होने। और तू पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा? और अपनी हालत देख, अभी तू सही नहीं है। सही कह रहा दिलावर, जख्म तुम्हारे अभी तक भरे नहीं है। 3-4 हफ्ते यहां से निकलने का सोचना भी नहीं। लेकिन मेरा वहां होना जरूरी है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वक्त से ही जंग चल रही है मेरी, जख्म का क्या है? अगर इसने भरना होगा तो इन दवाओं से वहां पे भी भर जाएगा दिलावर। और मैं नहीं चाहता जब वो मुझसे वहां मिलने हैं तो मैं रहूं ही नहीं। वैसे जख्म का क्या है? अगर इसने भरना होगा तो इन दवाओं से वहां पे भी भर जाएगा। इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि इतने पहलों के बावजूद ही वो मिलने आएगी तुमसे? बावर तो आएंगे, तूफानों से पाला भी पड़ेगा। काका समंदर में रहने वाले ऐसे लवाजमात से घबराया नहीं करते। हर तूफान माही के लिए एक नई ताकत लेकर आता है। अगर उसने तूफान भेजा है तो पार लगाने के लिए पतवार भी वही भेजे, वही भेजेगा। इस यकीन और एतमाद पे ही तो सब कुछ कायम है। और अगर वो मुझसे मिलने ना भी है, मेरा इंतजार तो मत।
दामन छुड़ाने का वक्त आ रहा है शायद। काका सच्चा आशिक हमेशा किनारे लगता है। सच्चा आशिक मतलब उसकी याद से उसकी याद को सहारा बना लो, और अगर यही खौफ है तो खौफ को दोस्त बना लो। जानते हो इश्क की तकमील कब होती है? जब महबूब से यक तरफा मोहब्बत हर हद पार कर ले, सौदेबाजी खत्म हो जाए, मोहब्बत के बदले में मोहब्बत मांगने से बड़ी सौदेबाजी और क्या होगी? जब आशिक सौदागरी और मजबूरी के दायरे से निकलकर इश्क करता है तो इश्क आशिक को खुद सलामी देने आता है। ना फरहाद, क्या वो क्या कर रहा है यार? दिलावर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बस दिलावर, तुम मुझे यहाँ से ले चल, ये मेरी आखिरी मन्नत और आखिरी इल्तिजा है तुझसे, मुझे मजार जाना है। अच्छा देख, वो ना सिकंदर सिंह जो है ना, वो तेरे लिए दवाइयाँ लेने गए, वो आ जाए ना, फिर उनसे बात करते हैं। अभी 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 ना, ऐसे ना निकाल, ठहर जा। डॉक्टर साहब का तो आ लेने दे। सबर कर, सबर सबर सबर, और चलते हैं, थोड़ी देर तो रुक जा। हमारा मेल मुमकिन नहीं, लेकिन उस जहान में मैं सिर्फ तुम्हारा साथ मांगूंगी अपने मालिक से। दिलावर, दरवाजा खोल दो। और क्या हो गया बाऊ? तेरी तबीयत वैसे ठीक नहीं है, और ज्यादा खराब हो जाएगी। खोल दो दिलावर, मैं नहीं चाहता कि वो आए और दरवाजा बंद देख के वापस चली जाए। खुश ले, खुल गया दरवाजा। इश्क में
कभी कोई कुछ नहीं खोता, कुछ ना कुछ पाता ही है। महबूब का वसल ना सही, हिजरी सही, जुदाई सही। से तो नहीं डरता मैं माही, तुम्हारी जुदाई से डरता हूं। अब प्लीज एक बार बोल दो कि तुम मुझे चाहती हो और अपने घर वालों से डरती हो। मैं कसम खाता हूं सारे जमाने से लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए। मोहब्बत और तुमसे अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर। हिमाकत है गरम नगर तो ठीक है, यही सही। अब मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मैं सही तरीके से दीवाना नहीं हो जाता। तुम तो होश में हो ना, तुम्हारा होश तुम्हें मुबारक। तुम अपने तीर आजमाओ, मैं अपना जिगर आजमाऊंगा।